ना चाहिए रिश्तेदार भी जो वीडियो देखे। हाँ आपके रिश्तेदार साहब देखेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ मैं काम पे लगा, ये देखें वो कह रहा है मैं रिश्तेदारों को ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने आके ये काम शुरू किया माशाल्लाह। रिश्तेदार कहते थे कि ये बंदा कभी काम जॉब नहीं होगा, देख लो मैं काम कर रहा हूँ। अब ये लड़कियाँ कितनी थी? कोई नहीं, कोई लड़की नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, है ठीक हो गया। साडे नाल बंदे सी, बंदे सी, सारे बंदे सन, ठीक हो बिल्कुल। वो जो कहते थे बना लो हम बना लेते, ठीक है। तो उसके बाद हम उधर से तुरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हमने आपको बताना है कि एक लड़का जो है ये कितनी देर में इटली आया है और ये डेंकी लगा कर आया है, ये जो लड़का है, और इसने आते ही यूरोप में आके इसने ये वाला काम जो है शुरू कर लिया है। कितनी देर में शुरू किया है, जिसे हम पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं लंडा बाजार, इसने आते शुरू कर लिया है, अपना निज़ाम इसने शुरू कर लिया है, और ये आके कितनी देर में सेट हुआ है, और ये किन किन रास्तों से आया है, ये हम इस भाई से इंट्रोडक्शन करेंगे और आपको बताएंगे। और आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हुए, मेरे चैनल को फॉलो करें और मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट्स में पेश करें, और आइए भाई से इंट्रोडक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम, सारे नु सत श्री अकाल, किवें हो, ठीक हो सारे जाने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। ओके, जानदा ही होवांगा कि तुसी सारे ठीक होवोगे। बिल्कुल। मैं इटली दे विच, आपको कितनी देर हो गई है इटली में आए हुए? कितना टाइम हो गया? साल हो गया इटली दे विच। आपको एक साल हो गया, ठीक हो गया। और आप पीछे किन किन रास्तों से आए? हाँ जी, पहले मैं दुबई से जहाज तो आया। जब आप आए हो तो वहाँ पर क्या कोई एजेंट था जिसने आपसे रास्ता किया? क्या आप खुद एजेंट है? इंडिया का ही था, उसने ही रास्ता दिया हुआ था कि एजेंट। हाँ। इंडिया का। ये देख रहे हैं नाजरीन, ये भाई बता रहे हैं ये दुबई आया, दुबई से ये इटली आया, कितनी देर में आया ये इस वीडियो में आपको बताएगा, वीडियो एंड तक देखें। अच्छा बताएं भाई आप। मैं आया, मैं तुर्की आया, तीन दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया तक लगे। तीन दिन तक? हाँ मैं जो तीन दिन ना, ये आवाज बंद कर रही है इस तरह मेरी। हाँ ठीक है। मुझे सर्बिया से ऑस्ट्रेलिया तक, सर्बिया तक आप नहीं, दुबई से आप सर्बिया कितनी देर तक आ गए? हम वहाँ से पहुँच गए थे वो ही तीन चार दिन में। तीन चार दिन में आप पहुँच गए थे, मतलब शिप के जरिए आए या बायर? बाय एयर आप आए। हाँ आगे तो आपका कोई ग्रुप भी था, लड़कियाँ भी थी साथ? हम लड़के थे खाली, चार पांच ही आने हमारे लड़के, चार पांच लड़के थे बस। तो सारे पहुंच गए थे? सारे पहुंच गए। तो जेंटो ने कोई मारा शारा तो नहीं था आपको, जिसे कहते हैं मारा कुटा हो? कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे थे, ठीक है। तीन दिन हमें रखा, रात को हम चलते थे। तो जब उन्होंने आपको रात रखा, आपको उन्होंने खाना शाना दिया था वहाँ पे? दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था निजाम, रहने के लिए, सोने के लिए। जी ठीक है, सब कुछ मिला। जी ठीक है। उन्होंने तंग किया हमें, पैसे दे दो, हमारा फोन दे दो? नहीं। जी उन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया है, बिल्कुल तंग नहीं। हाँ ठीक है। और जब आप सर्बिया तीन दिन में आ गए, तो फिर आप वहाँ पर कितनी देर, कितने दिन उधर रहे, कैसे खाना पीना आपने किया? खाना पीना हमने उधर से सर्बिया से ही ले लिया था, जहाँ हमारा कैंप था। ठीक है। तो जहाँ कैंप लगाया वहीं से ही खाना पीना लेके तो चले। हाँ। चल के तो वहाँ से तीन दिन हमें पैदल लगे आने के लिए। देख रहे हैं सुन रहे हैं नाजरीन के भाई ने बताया है कि जब वो, तो वो दुबई थे, दुबई से वो सर्बिया आए, और सर्बिया उन्होंने एक मतलब जेंट किया, जेंट के थ्रू वो चार पांच लड़के जो है थे वो खुद ही एक एजेंट करके और सर्बिया तक आए, और उन्होंने भाई ने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि एजेंट ने हमें ना ही तो मारा, ना ही तो कुछ भी नहीं कहा है, ना उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा घर दिया, खाने के लिए रहायश दी, खाना दिया, हमारे पास मोबाइल भी नहीं छीने हैं, ठीक है। और अब वो जब सर्बिया आ गया, सर्बिया से वो अब आपको बताएगा भैया। मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूँ कि मुझे भाई मिला था, मैं यहाँ पर आया था, कहता यार मेरी वीडियो बना लो, मेरी वीडियो अपलोड करो, ताकि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं ये लोग वीडियो देखें, ताकि वो उनको समझ आए कि यूरोप आना इतना आसान हो गया है आज के दौर में, जितना कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा भाई, जब आप सर्बिया आ गए तो फिर आगे क्या सीन हुआ? सर्बिया से हम तीन दिन तुरे। नहीं सर्बिया आके आप ये बताएं, पहले आके आप सीधा कहाँ गए? कैंप में गए थे? कैंप में गए थे। कैंप में कैसा माहौल था उधर? कैंप में अच्छा माहौल था। हाँ नहाने धोने के लिए जो बाथरूम होते हैं वो अच्छे नहीं थे। वो अच्छे हैं बिल्कुल।
वो जो खाना पीना था वो अच्छा था, बिल्कुल वो अपनी मर्जी का खा सकते थे, ठीक है, नहीं खा सकते थे, ठीक है। पैदल तुरे के जब हमें उसने डोंकर ने बोला कि आज तैयारी कर लो, आज मतलब आप उधर हफ्ता एक रहे थे, एक हफ्ता रहे थे, तो कैंप वाले, एक लड़कों का ये भी सवाल होता है जो लोग कैंप में होते हैं, कैंप वाले मारते हैं जंजीरों के साथ, कैद कर देते हैं जेलों में, कुछ नहीं, ये सुन रहे हैं नाजरीन आप, जो जो कैंप में होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो जंजीरों से मारते हैं, ना तो कैद खाना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कैंप की लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बस थोड़ा सा जो मुश्किल होता है खाने पीने का और नहाने धोने का जो सामान है ना, वो जरा कुछ डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा लोग होते हैं कैंपों में, और ज्यादा लोगों की वजह से ना मतलब बाथरूम कम होने फिर इस चीज़ की ना दिक्कत पेश होती है। अच्छा, तो फिर जब आपका एक हफ्ता उधर रहे तो उसके बाद आप कितना ग्रुप बना, आपका कितने लोग आपके साथ अटैच हुए, फिर जब ग्रुप बना कितने लोग ग्रुपों में ऐड हुए जब आपने इटली, 16 तो सबसे छोटी उम्र का कितनी उम्र का लड़का था, मैं ही थी। सबसे आपकी उम्र कितनी मैं है, 23 साल का। ये देख रहे हैं नाजरीन, अब जो लोग सवाल पूछते हैं कि यार हम छोटी उम्र के हैं हम नहीं आ सकते हैं, ये लड़का आपके सामने एग्जाम्पल है, आगे से इटली में मार्शे का काम शुरू किया है, और ये बताना चाह रहा है उन लोगों को कि जो लोग कहते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी का हमेशा रिस्क लेके, इस बंदे ने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसने कहा कि यार मेरे रिश्तेदार ने मैंने कहा सी कि बंदा कभी कामयाब नहीं होएगा, रिश्तेदार वाहो है वीडियो है वायरल करो, ए मेरे वीर भरा दी है वीडियो, मेरे रिश्तेदार ने रिश्तेदार की कर वायरल करो कि भरा सैट हो गया माशाल्लाह, देखो कितना सोहना काम कर रहा है, सुकून नाल खलोता है, बारिश है छतरी लगाई है थल्ले खलोता है, गाहकों ने आना है कोल आना आके समान लेना है, इन्हें नहीं किसी को जाना है। अच्छा, तो जब आप सर्बिया से निकले तो रास्ते में क्या क्या आपको मुश्किल पेश है, अब आप ये बताएं। कुछ नहीं पेश हुई, पैदल चलना था, बस जो गीला होना था, त्रेल होती है, त्रेल होती है, हाँ, बूट शूट बूट ही गिले होंगे ज्यादातर, हाँ, स्लीपिंग बैग। तो आपने खाने के लिए कितना सामान लिया था जब आप सर वहाँ से पैदल चलने लगे थे, हमने 3 दिन का सामान लिया था मगर डेंकर की वजह से हम थोड़े लेट हो गए, और लेट होने की वजह से हम 1 दिन हो गया वहाँ पर भूखे बैठे रहे। भूखे क्यों बैठे रहे, उनको जब इंसान तो मंजिल पे पहुंच जाता है ना, ठीक है, तो उन इंसान अपना सारा दुख भूल जाता है, ये तो डेफिनेटली बात है और आप भी जानते हैं। अच्छा, जब आओ तुसी इत्थे भुखा 1 दिन कट्टी, फिर जो तुसी आस्ट्रिया भरे सुना, तुसी आस्ट्रिया भर के पुलिस वाले जो तुहानू मिले, तुसी उन्होंने तुहानू की कहा, तुसी किधर आए हो? कुछ नहीं फड़िया, उन्होंने सानू पर्चा पढ़ाया, पर्चा पढ़ाया, अगे नहीं तुहानू जान देना, जे इत्थे रहना ठीक है, नहीं तो डिपोर्ट कर देना। हां, उन्होंने यह कहा कि आस्ट्रिया ने कहा आपा हम ही पर्ची ठीक है आपा इत्थे रहवांगे, ठीक है, हम ही भर के, ते उस तो बाद उन्होंने पुलिस वाले ने फड़ के साडे फिंगर करके सानू छड़ता। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले फिंगर करने होते हैं तो फिर उन्होंने छोड़ना होता है। हां, जदो छड़िया ते उस तो बाद आपा हफ्ता एक उत्थे रहे गुरु घर। हां, गुरु घर मतलब खान पीन मिलता सी हर चीज। हाँ जी नाजरीन, ए भी सुन लवो, तो मतलब जो बंदा आस्ट्रिया आ जाता वे गुरु घर च भाई ने स्टे किया, तो गुरु घर च हूँ लोग कहें असं खावे किमें पीवे किमें रहे किमें कितने सोवे, तो गुरु घर जो है वे हर चीज़ प्रोवाइड होंगी है। ए भाई तुम खुद दस रहे हैं जेरे आप बजाते खुद एक्सपीरियंस लैके आए हैं, खुद उन्होंने वो सफर तय किया वे। अच्छा, फिर क्योंकि गुरु घर आ गए, फिर उस अगले की अगे की होया, फिर ट्रेन की टिकट करवाई, फिर इटली आए। हाँ जी, फिर इन्होंने भाई ने आस्ट्रिया तो ट्रेन की टिकट करवाई, ठीक है, फिर भाई जो है इटली आ गए। इटली आ गए तो हूँ मैं इन्होंने को दो चार सवाल पूछा कि इटली आ के इन्होंने किन्नी देर हो गई है, तो उस तो बाद डॉक्यूमेंट किन्नी देर इन्होंने भाई के बने ने, किन्नी देर च मार्च का काम शुरू किया भाई ने। अच्छा भाई, जो तुम आप इटली आ गए, आपको कितनी देर हो गई अब इटली में? मैंने साल हो गया भाई को, साल हो गया। नाजरीन, वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे साल हो गया हम ये काम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मगर ये सुने एग्जाम्पल सुने इस भाई की, इसने कैसे मसाल पैदा की है अपनी। बाकी मैं संजोर नो लाई हुई है, संजोर नो लाई हुई है, ठीक है, और हले 4 महीने है गए या जेडे और ने 4 महीने हो रहे कोदिचे फिस्काल जे डॉक्टरी कार्ड हुंदा वो बन गया है? नहीं, वो नहीं बने हले, कार्ड ता दंत ता भी नहीं बने है,
मगर भाई दा हले कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनया है, भाई नू साल हो गया मगर भाई कम करता पिया वे, वेख रहे हो मतलब मार्शे का कम करता पे, पैसे कमा रहा वे, सब तो जरूरी है चीज, डॉक्यूमेंट आस्ता आस्ता बनते रहते ने, मगर भाई कम शम करता पिया। हाँ हाँ खुदा नाज़रीन आपने देखा ये व्लॉग मैंने आपको बना के दिखाया, आपको मैंने उसकी स्टोरी बताई, टाइम बहुत शॉर्ट था, टाइम के शॉर्ट शॉर्ट के साथ मेरे पास भी टाइम शॉर्ट था, बारिश हो रही थी और उसने दुकान पर भी जाना था और उसका मालक जो था वो उसको बुला रहा था, उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी आपको 10 मिनट में बताई कि यार मैं यहाँ पर कितनी देर में आया और कितनी देर में सेट हुआ, ये माशाल्लाह अरबी इन्होंने लगाया है सामान और आगे भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है आगे क्या सीन है, आगे भी खाने पीने का सामान लगा, फ्रूट मंडी इधर लगी है बहुत ज़्यादा, ठीक है उसने अपनी स्टोरी बताई आपको बहुत ही छोटे अल्फाजों में कि मैं कितनी देर में सेट हुआ, और वो ये कहना चाह रहा था कि आया कि मैं अपने रिश्तेदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग तो समझते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं है, वो कहता था कि मैं अपने रिश्तेदारों को तक मेरी ये वीडियो वायरल करो ताकि वो देखें और वो जानें कि मैं यूरोप में आके सेट हो गया हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, उसने ये पैगाम दिया है और बहुत अच्छा उसने पैगाम दिया है, मैं उस बंदे को सलूट किया है और अल्लाह पाक हमेशा सबको खुश रखे, अपने ज़ुमान में रखे, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी, और उससे जाने से पहले पहले हम मैं आपको वहाँ का भी विज़िट करवा देता हूँ जहाँ पर फ्रूट मंडी लगी है, ये यहाँ पर कपड़ों वाली मंडी थी और ये यहाँ पर लगी है फ्रूट मंडी, ये देख रहे हैं आप ये यहाँ पर लगी है फ्रूट मंडी।